नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूँ आपके साथ आरती। आज शनिवार का दिन है और आज के दिन भगवान शनि देव को पूजा जाता है, साथ ही शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि न्याय का नाता धर्म के पालन से है और अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही शनिदेव न्याय करते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान शनिदेव हमेशा ही हमें शुभ फल देते हैं, लेकिन अगर वही इंसान के कर्म अच्छे नहीं हैं तो शनि के कोप से भी आपको कोई नहीं बचा सकता। इसी के साथ जिन लोगों की कुंडली में शनि की ढैया या फिर शनि की साढ़े साती होती है उन्हें शनिवार के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जिससे शनि महाराज प्रसन्न हो सके। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, इससे भी शनि के दोषों से बचा जा सकता है। अब आपको बता दें, ज्योतिष के ज्ञाता ऐसा बता रहे हैं कि अब शनिवार के दिन भगवान शनि इन राशि के लोगों से बिल्कुल प्रसन्न हो चुके हैं और इनका क्रोध अब समाप्त हो रहा है। मानो आज से 21 साल तक अब इन 5 राशियों के ऊपर शनिदेव की कृपा रहने वाली है और अब ये राशियां मालामाल भी हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कौन सी है वो 5 राशियां। तो वो 5 राशियां कुछ इस प्रकार से है। इस क्रम में पहली राशि आती है मेष राशि। शनिदेव की कृपा से मेष राशि वालों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिल रही है और आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। व्यवसाय धंधा भी अच्छा चलने वाला है और कार्यस्थल पर मित्रों और सहयोगियों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। कामों में सफलता की वजह से अब इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। तो वहीं नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं। इस क्रम में दूसरी राशि है वो है कर्क राशि। आज का दिन बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। शनिदेव की कृपा से आपको व्यापार में कई लाभ होने वाले हैं। कारोबार विस्तार को लेकर अगर कोई आप योजना बना रहे हैं तो उससे वो अब सफल होने वाली है। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहने वाली है और अपने परिश्रम से कामों में आप लोगों को सफलता मिल रही है। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं तो अपनी सेहत का भी बखूबी आपको ध्यान रखना होगा। परिवार का माहौल अच्छा हो रहा है और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। चलिए बताते हैं आपको अगली राशि के बारे में जो कि है वृश्चिक राशि। बता दें आपको, वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि पड़ रही है। अब 21 सालों तक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कारोबार में लाभ हो रहा है तो नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। कामों में सफलता मिल रही है जिसकी वजह से धन लाभ हो रहा है और इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रशंसा मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का अनुभव होने वाला है। मित्रों का साथ मिलने वाला है तो वहीं जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपके सीनियर्स आपसे खुश हो सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से वाद विवाद से आपको बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अगली राशि के बारे में बताते हैं जो कि है धनु राशि। धनु राशि वालों को शनिदेव की कृपा दृष्टि की वजह से अब इन लोगों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। सभी काम निर्धारित रूप से पूरे होने वाले हैं। जो भी योजना आपने बनाई हुई है वो अब सफल होने वाली है। पारिवारिक माहौल अच्छा रहने वाला है जिसकी वजह से आपका मन खुश रहेगा। मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे आप लोग। सगे संबंधियों से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन और वेतन में वृद्धि के योग बने हुए हैं। प्रगति के नए द्वार भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको 5वीं राशि के बारे में जो कि है तुला राशि। तुला राशि वालों को शनिदेव की कृपा से समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है। इस दौरान आपके पास कोई ऐसा अवसर भी आ सकता है जो आपकी सफलता में कारगर साबित होने वाला है। आने वाले दिनों में शनि की कृपा से आपको कई फायदे देखने को मिलेंगे। इसी के साथ शनि की कृपा से आपको आय के नए स्रोत भी मिलने वाले हैं। तो ये थी 5 राशियां जिनसे
अब शनिदेव प्रसन्न हो चुके हैं और इनके ऊपर अपने विशेष कृपा दृष्टि को बरसाने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, शनि को कर्म और सेवा का कारक माना जाता है, यानी कि अगर जातक के कर्म और सेवा भाव से प्रसन्न हो जाए शनिदेव, तो हमेशा ही उसे अच्छे और शुभ फल देते हैं।